अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की सबसे पहली जो खबर कुवैत से आ रही है, 9 फरवरी तक फैल्कून सबमरीन के बारे में दोस्तों आप जरूर सुनते होंगे। उसको दोस्तों ये एक तरह का केबल होता है जो कि इंटरनेट को जोड़ता है अलग अलग देशों से। तो इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, क्योंकि दोस्तों वहां पे नेट काफी स्लो चल रहा था जिसकी वहां पे मरम्मत चल रही थी। फाल्कन जो केबल है उसका मरम्मत चल रही थी। तो दोस्तों क्लियर ये कह दिया गया कि 9 फरवरी तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसा पहला स्पीड था उससे कहीं ज्यादा आपको स्पीड देखने को इंटरनेट पे मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी 2 दिन और आपको नेट थोड़ा स्लो चलने वाला है, तो 9 फरवरी से आपका जो नेट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फाल्कन कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही बहुत ही बड़ी खबर है साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कुवैत से, जो कि इंडिया की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी सीबी जॉर्ज साहब की तरफ से बताया गया है कि जब से कोरोना वायरस आया है तब तक कुवैत से अब तक 98,000 इंडियन वर्कर छोड़ के चले गए। जी हाँ साथियों, लगभग अब 98,000 वर्कर छोड़ के चले गए हैं सिर्फ कोरोना काल के वजह से। किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी के पास पैसे नहीं हो रहे थे, रहने का दिक्कत हो रहा थी, या कुछ लोग डर से छोड़ के चले गए। ये भी बताया गया है कि अनुसार महामारी खाड़ी देशों में 7 लाख से अधिक भारतीय श्रमिकों को भारत अपने घर लौटने पर मजबूर किया। और यदि पूरी गल्फ कंट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो सब गल्फ कंट्री मिला के लगभग 7 लाख इंडियन ने सभी गल्फ कंट्री को छोड़ दिया और अपने अपने मुल्क वापस आ गए कोरोना काल के वजह से। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही फ्रंटलाइन वर्कर को लेकर, साथियों जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्स, क्लीनर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्टाफ मेंबर, उन सभी को दोस्तों वहां पे फ्री राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से माफी मांगी गई है और बोला गया कुछ देने में थोड़ी देरी होगी, जो कि 25 फरवरी से सभी फ्रंटलाइन वर्करों को फ्री राशन दिया जाएगा, जिनमें से काफी चीजें दी जाएगी, चावल, दाल वगैरह और जो भी जरूरत की चीजें होती है सारी चीजें वर्करों को वहां पे दी जाएगी। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही कुवैत एयरवेज की तरफ से आ रही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खबर है। कुवैत एयरवेज की तरफ से बताया गया है कि नजफ के लिए दोस्तों फ्लाइट को चालू किया गया। खबर दोस्तों क्या है, कुवैत एयरवेज ने शनिवार को नजफ के लिए सप्ताह में 2 उड़ानों के साथ फ्लाइट चालू करने का घोषणा किया है दोस्तों। और शनिवार से यानी आज यानी दोस्तों कल से ही फ्लाइट को स्टार्ट कर दिया गया नजफ के लिए और हफ्ते में 2 फ्लाइटें चलेगी नजफ के लिए। तो जो लोग भी नजफ से ताल्लुकात रखते हैं, यदि वो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो बाई फ्लाइट तो जा सकते हैं, उन लोगों का फ्लाइट को स्टार्ट कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों बताना चाहूंगा साथियों, आमिर रिटर्न टू कुवैत आफ्टर प्राइवेट विजिट अब्रॉड। दोस्तों कुवैत के जो आमिर है शेख नवाब अल मोहम्मद साहब ने वहां पे दोस्तों काफी दिनों से अलग अलग देश के दौरा पे थे। तो दोस्तों फैमिली दौरा का खत्म हो चुका है और कुवैत वापस वो लौट के आ चुके हैं दोस्तों। उनको विजिट वहां को लेने के लिए काफी लोग गए थे। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों बताना चाहूंगा, जॉर्डन के मॉल में लोगों को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार। दोस्तों एक जॉर्डन का शख्स यानी जॉर्डन का एक्सपर्ट को वहां पे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि किसी मॉल में वो लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहा था यानी परेशान कर रहा था किसी की वजह से, जिसके बाद वहां पे काफी लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद दोस्तों उसके बावजूद भी वो बात नहीं माना, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के बुलाने के बाद दोस्तों उन शख्स जॉर्डनी शख्स को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथी, दस्तावेज जालसाजी में जेल गई महिला। दोस्तों कागजात के हेरा फेरी में दोस्तों एक महिला को वहां पे जेल हुई है। लगभग 3 लाख का जुर्माना लगाया गया है और लगभग दोस्तों वहां पे 1 साल की उनको जेल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों वो कुवैती नागरिक थी। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।